नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज जो हम एक नया भारत के अंदर कीर्तिमान ऊंचाइयों पर पहुंचते जा रहे हैं, और लगातार प्रकृति भी अपने आप को उन तंग हालातों से निकाल के एक ऐसी अपार ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है जिसके अंदर बहुत विकट समस्या मनुष्य के सामने निकल के आ रही है। और लगातार ये सारी बातें एक पृथ्वी के ऊपर हो रहे विनाश की ओर इशारा कर रही है, और वो विनाश एक के बाद एक नए रूपों के अंदर हम लोगों के सामने निकल के आ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। कभी भयंकर महाप्रलय हो रही है, कभी भयंकर ज्वालामुखियों का फटना हो रहा है, कहीं पर ऐसी तबाही हो रही है कि वहाँ से उभरने में आज से लेके और 50 से 100 सालों का समय लग जाएगा। तुर्की के हालात तो ऐसे हैं जिनको 150 सालों का समय लग जाएगा। आने वाले टाइम के बारे में इतनी ज़्यादा अलग अलग बातें, अलग अलग भविष्यवाणियाँ कही जा रही हैं कि लोगों के मन के अंदर भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। लोग ये सोच रहे हैं कि क्या कल ही अंत तो नहीं हो जाएगा। और इस बात को आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग आप लोगों को अगर कोई बात बताते हैं, कोई भी रिसर्च के द्वारा, कई न्यूज़ के द्वारा, कोई भविष्यवाणियों के द्वारा, तो वो सारी बातें पढ़ के बताते हैं। जब तक कि कोई घटना सत्य नहीं हो जाती, तब तक वो भविष्यवाणी भविष्यवाणी ही रहती है। भविष्यवाणी की सत्यता तब साबित होती है जब वो घटना सत्य साबित हो जाती है। तो दोस्तों, इस बात की चिंता ना करते हुए कि कब वो सत्य होएगी, कब वो आगे पता लगेगा, आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि अपने आज के समय को हम किस प्रकार से अच्छा व्यतीत कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने प्रेजेंट को भगवान की भक्ति में लगाकर, अन्य कार्यों में लगाकर बहुत अच्छे से परिवर्तन के दौर से आगे पार कर सकते हैं। उत्तराखंड के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। बहुत ही गहन और चिंता का विषय उत्तराखंड वासियों के लिए हो गया है। हालात तो ये भी कहे जा रहे हैं कि जिस प्रकार से तुर्की के अंदर भूकंप आया 7.2 रेक्टियर स्केल का, तो उत्तराखंड के अंदर वो भूकंप 8 रेक्टियर स्केल के पार का होगा। मतलब 8 रेक्टियर स्केल, आज से 200 साल पहले कभी उत्तराखंड के अंदर ये भूकंप आया होगा, और आज की डेट में उस भूकंप के लिए ये बातें लगातार कही जा रही हैं। और ये कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा, इसके प्रत्येक वीडियो के अंदर आपको प्रमाण दूंगा, कौन से साइंटिस्ट ने ये बात बोली है ये भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर जो एक सरकारी संस्था है NDRI, उन्होंने ये चेतावनी दी है कि उत्तराखंड के अंदर तुर्की के भी ज़्यादा ताकतवर भूकंप कभी भी आ सकता है। वो इतना ज़्यादा भयानक हो सकता है, इतना ज़्यादा प्रलयकारी हो सकता है कि उसकी तीव्रता 8 के करीब होगी। इसलिए इस बात को कहा जा रहा है कि तुर्की के मुकाबले में ये भूकंप सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। कहा जाता है कि हिमालय के अंदर लगातार जमीन में हो रही हलचलों की बहुत तेज़ी से जो कहते हैं कि तरंगे बढ़ती जा रही हैं, और पृथ्वी के ऊपर वो तरंगे बढ़ने का कारण ये है कि उसके अंदर की प्लेटें इतनी ज़्यादा खिसक चुकी है और इतना ज़्यादा प्रेशर बन चुका है कि वो कभी भी फूट के बाहर आ सकती है 2 महीनों के अंदर अंदर। अब आप ये मानिए कि चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, और इतना ताकतवर भूकंप अगर आया तो उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ है, जो मिट्टी के पहाड़ है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देंगे। क्योंकि मिट्टी के अंदर जब भूकंप आता है तो तरंगे एक के बाद एक नहीं निकलती, वो उथल पुथल करती हुई निकलती है। मतलब सीधे जाने की बजाय उनकी गति ऐसी हो जाती है जिगजैग रूप के अंदर। तो कितनी लाशें बिछाएगा, कितने अनुमान लगाएगा, कितनी बर्बादी करेगा, इसका अनुमान उत्तराखंड के अंदर रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि साथ में रहने वाले जो और स्टेट के लोग हैं वो भी इससे ग्रसित हो सकते हैं। मतलब नेपाल और हिमाचल के मध्य के अंदर स्थित हिमालय का एक ऐसा भाग जो केंद्र शांति के अंदर बना हुआ है, एक चीफ साइंटिस्ट ने जो ये रिपोर्ट दी है वो सीजविंग गैप के अकॉर्डिंगली कहा जा रहा है कि 200 साल से पुराना भूकंप 8 की तीव्रता का बड़ा भूकंप आ सकता है। मतलब ये कहिए
कि अगर इस टाइप के भूकंप उत्तराखंड के आए तो नदियों के अंदर बड़ा उफान उठ जाएगा, डैम जो बने हुए हैं उत्तराखंड के अंदर उनमें बड़ी हलचल होगी, बहुत बड़ा प्रलयकारी तबाही का मंजर उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। ये तो नहीं कह जा रहा कि ये भूकंप अभी आएगा, लेकिन जल्द ही ये भूकंप बहुत तेजी से उत्तराखंड के अंदर आने वाला है, जिसकी चेतावनी साइंटिस्टों ने ये मान के दे दी गई है। पश्चिम नेपाल के, उत्तराखंड के, हिमालय के जो एरिया है उसमें ग्रेट अर्थक्वेक का इन्होंने नाम दिया। मतलब ग्रेट अर्थक्वेक का मतलब होता है कि 7 पॉइंट रिक्टर स्केल से ऊपर की तीव्रता, मतलब लगातार हो रहा भूस्खलन उत्तराखंड के अंदर, पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना रहा है। देव भूमि कहलाया जाने वाला उत्तराखंड अगर इस प्रकार का भूकंप आया तो झेल नहीं पाएगा और इसका स्वरूप बदल के निकल लिख जाएगा कई जगहों के ऊपर। इस चेतावनी को कुछ लोग उस प्रक्रिया से भी जोड़ रहे हैं जो जोशीमठ के अंदर अभी भूस्खलन हुआ है और नरसिंह भगवान का हाथ पतला होता जा रहा है, तो लोग इस भूकंप को, आने वाले भूकंप को उससे जोड़ के देख रहे हैं कि नरसिंह भगवान का हाथ खंडित होए के इस भूकंप के आने की चेतावनी मिलेगी। तो ये सारी घटनाक्रम साइंटिस्टों ने भी बताया है और आगे भी इस तारीख की बताया, क्योंकि आज से करीबन 130 साल पहले जो उत्तरकाशी में भूकंप आया था उसके अंदर 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और बहुत सारे लोग मर गए थे, और उस टाइम में भूकंप की जो तीव्रता थी वो थी 6.6 से 6.8। तो इतनी तेज तीव्रता मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड झेल पाएगा, और मिट्टी की पकड़ लगातार जो कमजोर होती जा रही है, नए नए नव निर्माण के कार्यों से कई टनल बन रही है, कई रोड बन रहे हैं, कई पहाड़ कट रहे हैं, तो इस बारे में तो और भी भयंकर चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि भूकंप की तीव्रता 2 से 3 गुना प्रभावशाली हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि देव भूमि कहलाया जाने वाला उत्तराखंड क्या हकीकत में बहुत बड़ा प्रलयकारी बरकोप लाके देगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड के लिए निकल के आ जाएगी और उत्तराखंड से लगे हुए स्टेट के अंदर भी ये समस्याएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों सचेत रहिए, अगर ऐसा कोई भूकंप आता है तो अपने और अपने परिवार को सुरक्षित जगहों के ऊपर ले जाना, सुरक्षित जगह के अंदर अपने परिवार को बचाना ताकि कम से कम हानि हो पाए, क्योंकि चीजों की हानि, सामान की हानि से तो मनुष्य उभर जाता है लेकिन जान मान की हानि से मनुष्य उभर नहीं पाता। तो सभी लोग सचेत रहिए, आप लोगों के साथ में हूँ, मैं भी उत्तराखंड के अंदर ही हूँ, और आप लोगों को कोई भी समर्थन की आवश्यकता हो, कोई भी हेल्प की आवश्यकता हो तो मिलके हम हेल्प करेंगे, एक दूसरे की मदद करने का कार्य करेंगे। अगर ऐसा भगवान ना करे कुछ भी होता है तो सभी लोग अपने अपने परिवार को बचा के रखिएगा। फिर मिलूंगा आपके साथ में आपके ही अपने चैनल के ऊपर एक नई घटनाक्रम, एक नई जानकारी देते हुए, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी जानकारी दिखाई दे रही है इसके ऊपर। अभी ये साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दी है, मैं ग्रह मंडलों की स्थिति के ऊपर भी जांच करूंगा कि ग्रह मंडल भी ऐसी स्थिति दिखा रहे हैं और ये कब हो सकता है ये घटनाक्रम, इस बारे में डेट निकालने की कोशिश भी करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी सहायता पूर्वक लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।